हाय मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। हम भी एकदम अच्छे हैं। तो आज का जो ब्लॉग शुरू कर रही हूँ, सुबह से कर रही हूँ। तो सुबह में इससे जो सुबह का मतलब काम जो होता है, रूटीन वो हो चुका है। तो कपड़े उपड़े मैंने धो दिए हैं, अब बनाते हैं दिन का खाना। तो दिन का खाना में मेरे बेटे ने फिर बोला कि कढ़ी चावल बनाना, आज पकौड़े डाल देना, पकौड़े बना देना। तो मैं वही बना रही हूँ आज, कढ़ी पकौड़ा। आप लोग भी कहोगे रोज कड़ी कड़ी खाते रहते हैं। तो कल थी आटे की कड़ी, आज है पकौड़े डाल के कड़ी। तो चलिए बनाते हैं कड़ी चावल। तो यहाँ पे सारा काम हो चुका है, सारा काम हो गया है। कपड़े उपड़े भी मैंने सारे धो दिए हैं। तो चलिए बनाते हैं दिन का खाना। तो अभी सामान बैठा हुआ है, मैंने कर दिया झाड़ू पोछा। पूनम गई है कहीं आज, तो अभी आने वाली है थोड़ी देर में। तो मॉर्निंग में चली गई थी 8 बजे, 9:30 होने वाले हैं। शिवान चश्मा पहनो, चश्मा पहनो, पहनो पहनो। यहाँ पे खेल रहा है मेरा शांत बच्चा अपना मनपसंद कार्टून देखते हुए। आज दिन में भी मैं बना रही हूँ कड़ी पकोड़े। तो आज मैंने पकोड़े बनाए हैं, ये छोटे छोटे से पकोड़े बनाए हैं। और साथ में बना दिया है बेसन और दही का घोल मसाले डाल के, और इसमें पकोड़े बनाते हैं। तो अब बनाती हूँ कड़ी। तो आज भी हम दिन का खाना, आज भी हमारा दिन का खाना कड़ी और चावल ही है। साथ में बन रहे चावल। तड़के में लिया जीरा, मेथी दाना, सरसों और अजवाइन। सर पर डाल दी थोड़ा सा हींग और डाल देंगे अपना ये बोल। इसमें डालेंगे और पानी। इसमें आलू के छोटे छोटे टुकड़े डालें, इसके अंदर जो है देखे गए आलू है। कुछ ज्यादा बना लिए ताकि सिवांज भी खा लेगा, भी सो रखा है। तो यहाँ पे कड़ी अच्छे से उबल गई है, इसी के साथ ही मैं इसमें पकोड़े डाल देती हूँ ताकि पकोड़े सॉफ्ट हो जाए थोड़ा। नहीं डालूंगी तो गैस का फ्लेम कर देंगे बंद। खाते हैं अपना दिन का खाना। तो चलिए गैस खाते हैं दिन का खाना। तो गैस आज की जो रेसिपी होगी वो है भिंडी। तो ये भिंडी है, इनको मैं अच्छे से धो के सुखा लूंगी। अभी मैंने भिंडी को अच्छे से धो के और पोंछ लिया है। तो अब मैं इनको काटूंगी, किस तरह काटते हैं आपको बता ली। आपको ये वाला भाग, ये वाला भाग हटा देना है और हम चाय भी नहीं ले रही चाय। इसमें से चीरा मार देना है। पकोड़ा खाने खा ले, ले जा एक, ले जा फिर दोबारा खा ले। तो
इस तरह मैं सारी भिंडियाँ काट लेती हूँ। तो गैस यहाँ पे मैंने भिंडी काट लिए हैं, तो भिंडी को मैंने इस तरह काटा है, ऐसे चीरा देके, तो अच्छे से हम कीड़ा उड़ा भी देख लें, कीड़े भी होते हैं भिंडी में। इसमें हल्का हल्का मसाला भरेंगे, पहले बनाते हैं मसाला। यहाँ पे मैंने ले ली कटोरी, तो उसमें डालूंगी मैं 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच आमचूर पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, धनिया पाउडर, दो चम्मच नमक, सेंधा नमक ले रही हूँ, सेंधा नमक, वो साथ में लेंगे। बेसन ले लिया है, तो गाइस ये रिपोर्ट करना भूल गई, ये है कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए। डाल रही हूँ सरसों का तेल, इसको कर देंगे अच्छे से मिक्स। इसको हम मसाला भिंडी भी कह सकते हैं। वो अच्छे से मिक्स कर दिए मैंने। तो ये जैसे भिंडी है ना, तो हल्का सा हम इसके अंदर भर देंगे, हल्का सा इस तरह। ताकि भिंडी जो हमारी फीकी ना लगे, इनके अंदर भी मसाला चला जाए अच्छे से। तो इसी तरह मैं सारी भिंडी भरूंगी। यहाँ पे पूनम कर रही है पूजा, मेरी लाल मिर्च डाली थी, तो ये डाल रही मैं लाल मिर्च, और इसमें डालेंगे थोड़ा सा दही। यहाँ पे मैंने भिंडी में मसाला भर लिया है, अब बनाते हैं सब्जी। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई ले ली है, कढ़ाई में डालूंगी सरसों का तेल, साथ में हमारे घर में केड़ता पूनम कर दिया है, तो इसे होने देंगे गरम। यहाँ पे तेल अच्छे से हो गया है गरम, इसमें डाल रही हूँ मैं जीरा। डालूंगी भिंडी, भिंडी को अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पे मैंने भिंडी को अच्छे से भून लिया है, तो डाल दूंगी ये घोल जो घोल बना रखा था दही और मसाले का,
तैयार बन गई है। यह दही भिंडी, मसाला भिंडी भी कह सकते हैं। तैयार हमारी मसाला भिंडी, दही भिंडी। तो गैस मैं वीडियो का एंड करना भूल गई थी रात को, तो मॉर्निंग हो गई दूसरे दिन। तो ये थी मेरी आज जो भिंडी की रेसिपी, आई होप आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं नए अगले रेसिपी ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर, जय श्री राधे राधे।